हेलो दोस्तों, आज हम लोग घूमने चलने वाले हैं दिल्ली के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस लाल किला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली अभी हम आ गए हैं रेड फोर्ट पे, यानी किला, लाल किला दिल्ली घूमने के लिए। दोस्तों, इस लाल किला को 17वीं शताब्दी में 1639 से 1640 के बीच में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इस किला को बनने में लगभग 10 साल लग गए थे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लाल किला की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, इसलिए इस किले का नाम लाल किला है। गाइस, ये टिकट काउंटर है और हमने ये टिकट ले रखा है। 50 रुपये की पर पर्सन यहाँ पे टिकट है, अगर आप कैश के साथ लेते हो तो। और ये किले की एंट्री है, आओ चलते हैं अंदर। पैदल पैदल हम लोग चल रहे हैं मेन गेट की ओर। मेन गेट से एंट्री है। गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं फ्रंट पे, लाल किला के एकदम फ्रंट पे, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर हमारे झंडा लहराते हैं। आइए मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ लाल किले का कैसा है। दोस्तों, यह किले का फ्रंट है जहाँ पे हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराकर अपनी जनता को संबोधित करते हैं। अब आइए चलते हैं, एंट्री करते हैं। दोस्तों, इस किले में एंट्री के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद आपको लाहौर गेट से किले के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। ये है इसका मेन एंट्री गेट, आप यहाँ से एंट्री करोगे अंदर। गाइस, अभी हम लोग किले में अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि जैसे आप एंट्री करोगे आपको कुछ इस प्रकार का एक्सपरेशन नज़र आएगा। यहाँ पे अगेन आपको सिक्योरिटी वगैरह नज़र आएगी। चले के बारे में वगैरह। तो गाइस, आप इधर देख सकते हैं, जैसे किले में आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको दोनों तरफ शॉप दिख जाएंगी। इधर ये देख सकते हो और इस साइड भी देख सकते हो, उसके बाद अंदर एंट्री होगी। और दोस्तों, ये है दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट मीना बाजार। शाहजहाँ की दो बेटियाँ थी, उनके लिए ये मार्केट उस टाइम पे लगाई जाती थी और तब से ये मार्केट अभी तक लगती चली आ रही है। गाइस, अभी हम किले के अंदर आ गए हैं। जैसे एंट्री करोगे थोड़ा सा आगे आओगे, जो पहला परिसर मिलेगा वहाँ पे आप शॉप्स अपनी अपनी ओपन कर लिए हैं। उसके बाद जैसे अंदर आओगे ये कुछ इस प्रकार का ओपन परिसर मिल जाएगा। यहाँ पे हवा तो काफ़ी मस्त चल रही है। गाइस, ये हमारा एंट्री पॉइंट था और ये है हमारा एक और एरिया। चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये बिल्डिंग है नौबत खाना, जिसे वेलकम गेट भी बोला जाता है। दोस्तों, शाहजहां जब भी किले में अंदर आता था या कोई गेस्ट आता था तो उस टाइम पे यहाँ पे ड्रम बजा के उनका स्वागत किया जाता था। यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कुलदीप आना, तुम यहाँ पे कान लगा के सुनना इस कोने पे, और उस कोने में मैं कुछ बोलूंगा, देखो क्या तुम्हें सुनाई देता है। ठीक है, आना है कि अगर आप इस कॉर्नर पे यहाँ पे अपना कान लगा के सुनोगे तो उस कॉर्नर पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो तुम्हें सुनाई देगा। ठीक है ना, तुम यहाँ पे अपना कान लगाओ, फिर मैं वहाँ पे बोलता हूँ। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, देखो उसे सुनाई देता है कि नहीं। कुलदीप इसके बाद कहाँ चला जाए। अरे कुछ नहीं सुनाई दिया भाई।
बाहर से सुनाई दे रहा है, बेकूफ बनाते हैं। इसके अंदर क्या है देखा जाए, ये तो मान लो कुछ ऐसे आर्ट और टाइप की है, क्रिकेट की उखड़ गया आर्ट। गाइस अभी तक लाल किले का अंदर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है वाव वाली फीलिंग नहीं है, बाकी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो अच्छा ही लग रहा है। होता ना किसी प्लेस में जाओ अंदर से देखो फिर मन से निकले वाव वाली फीलिंग नहीं रही। तुम्हारा? मेरा भी। अब हम लोग चलने वाले हैं इस वाले एरिया में। तो ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिकल के अंदर जाती हैं, तो बस इनका स्ट्रक्चर वगैरह ही देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, बस वही देखो वही इंजॉय करो और कुछ एक्साइटिंग नहीं होता है। जो लोग को आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट है उन लोग को तो मज़ा आता होगा। और इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम, जिसे आप आज की लैंग्वेज में कोर्ट रूम भी बोल सकते हो। इस बिल्डिंग में शाहजहां लोगों की शिकायत सुनता था इस वाइट संगमरमर के सिंहासन पर बैठकर। दोस्तों इस बिल्डिंग की नक्काशी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ये काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग रही है। आया था एरिया वो नगाड़ा कच्छ था, तो उस टाइम पे वहाँ पे नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे, इसीलिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वाइस वाला वहाँ पे कर रहे थे। और ये वाला जो एरिया है ये है उस टाइम के जो शाहजहाँ जिसने उन्होंने बनवाया था, तो ये दरबार कच्छ है। अब उधर रेड स्टोन खत्म, अब इधर से व्हाइट स्टोन स्टार्ट हो गए। और ऐसे बहता था फिर ये पानी पूरे इस महल में या इस पूरे किले में बहता था। गुरु ये खास महल है 1, 2 और 3, ये तीनों एक खास महल के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पे बादशाह अपना निजी कार्यक्रम करता था, तब अपने निजी एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था ये कच्छ। यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, यू कैन रीड। भाई ये है मोती मस्जिद, तो वहाँ पे मुझे दूर से दिख गया ये है मोती मस्जिद।
का नाम है सावन और इसका नाम है भादो, ये दोनों हैं और ये यूज आते थे वर्षा ऋतु में, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो एकदम से भी पूरा का पूरा मजा किरकिरा हो गया होता। तो गाइस हमने किले के अंदर पूरा घूम लिया है, और अंदर जब भी आप जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप अंदर जा रहे हो तो म्यूजियम का टिकट भी ले लो, क्योंकि तब ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जब म्यूजियम का टिकट लोगे तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से जानने को मिल जाएगी, और हमने म्यूजियम का टिकट लिया नहीं था इसलिए अंदर आपको म्यूजियम नहीं दिखा पाया। तो अगर आप जा रहे हो तो म्यूजियम का टिकट लेके जाओ, तब ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक लीजिए जय हिंद वंदे मातरम, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइज अभी हम लोग निकल लिए हैं इंडिया गेट के लिए, और आज दिल्ली का मौसम भी बहुत प्यारा हो गया है भाई, जबरदस्त। गाइज ये है इंडिया गेट, और आज कोई राजनेता की वजह से ये बंद कर दिया गया, पूरी तरह से फोर्स यहाँ पे लगा दी गई है। गाइज ये है इंडिया गेट, लेकिन अब हम लोग को अंदर जाना नहीं है क्योंकि गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही है। सैड यार।